हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ्स विद दिशा सिंह राठौर। चलिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करना है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड विथ पी एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको पी क्यू लाइन सेगमेंट के अंदर पी एज अ सेंटर लेना है और 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड विथ क्यू एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्यू एज अ सेंटर लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है 3.5 सेंटीमीटर का। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका फिक्स लेंथ होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं विद द यूज ऑफ स्केल, स्केल का यूज कर सके या फिर मेजरिंग टेप का यूज करके जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे हम पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं और 5 सेंटीमीटर, तो 0 से लेकर 0 पे हम एक एंड पॉइंट बनाएंगे, सेकेंड एंड पॉइंट होगा 5 पे, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर का, ये लाइन सेगमेंट है। अब इसे हम एक नाम देंगे पी और नेक्स्ट सेकेंड एंड पॉइंट पे नाम देंगे क्यू, ठीक है। अब विथ पी एज अ सेंटर, अब पी को एज अ सेंटर मानना है और जो रेडियस लेना है वो क्या लेना है, 2.5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल दिया और स्केल पे आपको 0 to 2.5 का एक मेजरमेंट लेना, तो 0 पे रखा हमने कंपास की मेटल टिप और 2.5 पे लेंगे हम पेंसिल की टिप रखेंगे, ठीक है। तो इतना ओपन करना है जितना ठीक 2.5 हो जाता है, एग्जैक्ट 2.5 है। अब क्या करेंगे, हम पी पे एज ए सेंटर मानेंगे ना, तो मेटल टिप रखेंगे यहाँ पे और बिल्कुल मेटल टिप को हिलाना नहीं है पी पॉइंट से और इसे चारों तरफ से इसे सर्कल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ हम लिख देते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड है Q एज अ सेंटर। अब Q अपने सेंटर माना, अब 3.5 सेंटीमीटर का आपको रेडियस लेना है। तो अगेन आपने स्केल लिया, मेटल टिप आपने रखा 0 पॉइंट पे और 3.5 जितना है, 3.5 कहाँ होता है, 3 और 4 के बीच में होता है, तो 3.5 जितना इतना ओपन कर दिया हमने कंपास। अब Q पॉइंट पे रखेंगे हम मेटल टिप और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ एक ही लाइन सेगमेंट पे 2 सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो P से हमने 2.5 रेडियस का बनाया एक सर्कल और Q से बनाया 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। I hope you understood whatever I taught in this video. If you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends. If you have any doubt, let me know in the comment section. And please subscribe to my channel. Thank you so much.